विस्तार से चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ बैठकर, लेकिन मुझे लगता है कि इसका भारतीय जनता पार्टी ने बिना वजह इसको पोलिटिसाइज किया है और रामलला सबके हैं, वो इस पर अपना एकाधिकार माना चाहता है, मनोपरी करना चाहता है, तो वो भी गलत है। पार्टी एकजुट है, इसमें विस्तार से चर्चा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि नए लोगों को मौका देना चाहिए, और जब तक हम नए लोगों को मौका नहीं देंगे तब तक वो ऊर्जा का संचार नहीं होगा। और मैं ये किसी एक व्यक्ति विशेष या एक प्रदेश या एक जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल में कह रहा हूँ। और जहाँ जहाँ कांग्रेस ने, खासकर आप, मैं रिकॉर्ड देखिए आप, जब जब नौजवानों पर हमने दाव खेला है उसमें अधिकांश जगह सफलता मिली है, ये प्रमाणित है, इसमें कोई मेरी व्यक्तिगत बात नहीं, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। जब जब नौजवानों पर हम लोगों ने उनको मौका दिया है, उनको पंक्ति में आगे ला के खड़ा किया है, तो पब्लिक ने, वर्कर्स ने उसको अप्रिशिएट किया है। बिल्कुल, मैं हर फोरम में उठाता हूँ इस बात को, लेकिन देखो अल्टीमेटली विनेबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सिर्फ नौजवान होना ही आपको जीत दिलाएगा ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति ने 10-20-30-40 साल काम किया है वो व्यक्ति भी उम्मीदवार है, अगर वो जिताऊ है उसकी जो भी एज हो, लेकिन अगर हमें चूज़ करना है और दो बराबर के हैं तो मुझे लगता है कि नौजवानों को अगर हम मौका देते हैं तो उससे एक मैसेज जाता है कि हम विश्वास अब नई पीढ़ी पर कर रहे हैं। और ये नौजवान देश है, नौजवान प्रदेश है, ऐसा क्यों नहीं पार्टी को करना चाहिए, और पार्टी ने किया भी है। बहुत से लोगों को इस बार विधानसभा में जाने का मौका मिला है और मैं देखता हूँ नए नए चेहरों को, मुझे खुशी होती है कि उन लोगों को यूनिवर्सिटी में थे, NSVI में थे, यूथ कांग्रेस में थे, आज विधानसभा में हैं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको मौका मिला है, पार्टी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है। लेकिन मैं